देहरादून में ओबीसी कर्मचारी सिम आवास का आज घेराव करेंगे। दरअसल प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ लगातार नाराजगी कर्मचारियों में है, जिसके चलते आज सिम आवास का घेराव उनकी तरफ से किया जाएगा। तो आज देहरादून में प्रदेश भर के जनरल ओबीसी कर्मचारियों का हुजूम परेड मैदान से होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने महारैली का रूट प्लान जारी कर दिया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के मुताबिक साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लेकर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया है। रोक नहीं हटाए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी इन कर्मचारियों की तरफ से दी गई है। तो प्रदेश भर से कर्मचारी महारैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो इस नाराजगी के साथ ही आज जो सीएम आवास का जो घेराव है वो इन कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा, और इसी को देखते हुए इस चेतावनी के को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो नौकरी में प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर ये नाराजगी इन कर्मचारियों में बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो प्रमोशन पर रोक लगी हुई है उसको जल्द हटाया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। तो अब चुनौती का कितना असर सरकार पर पड़ता है, क्या समझाने की कोशिश होती है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में ये कर्मचारी। तो देहरादून में जनरल ओबीसी कर्मचारी सिम आवास का घेराव करेंगे। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ आज देहरादून में प्रदेश भर के जनरल ओबीसी कर्मचारियों का हुजूम परेड मैदान से होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेगा। संवाददाता अजीत काम्बोश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर सीएम आवास का घेराव करेंगे कर्मचारी। बिल्कुल आशिमा, जिस तरह से पहले से ही आह्वान था जनरल ओबीसी कर्मचारियों का कि 20 फरवरी को एक महारैली का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा, हालांकि इससे पहले सरकार को अल्टीमेटम जरूर दिया गया कर्मचारियों की तरफ से कि प्रमोशन पर लगी रोक है उसको तत्काल हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं और उसको अब सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई डिसीजन इस पर नहीं लिया, जिसके चलते प्रदेश भर के जो जनरल ओबीसी कर्मचारी हैं वो राजधानी देहरादून के परेड मैदान में सुबह 10:30 बजे एकत्रित होंगे और उसके बाद सभा करने के साथ ही महारैली होगी, सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच किया जाएगा, और अगर बात बनती हुई नजर नहीं आती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया जाएगा। कर्मचारियों की तरफ से साफ निर्देशित अभी क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोई असर? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कर्मचारियों में सरकार को लेकर काफी आक्रोश नजर आ रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उसी सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन ऐसे हैं जो तत्काल लागू करती है, लेकिन कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ा मुद्दा लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण जैसी स्थिति नहीं बनती है, ऐसे में प्रमोशन में सीनियरिटी के हिसाब से तत्काल लागू किए जाने चाहिए, लेकिन सरकार कोई भी फैसला लेने से बच रही है। इसको देखते हुए कर्मचारियों ने आज महारैली का आयोजन किया है और मुमकिन है कि प्रदेश भर से लगभग हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं जनरल ओबीसी वर्ग के। बिल्कुल अजीत, यहाँ पर फैसला तो कोर्ट की तरफ से आ गया है और लगातार यही मांग इन कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है कि जो रोक लगाई गई उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। चेतावनी भी यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन आखिर इस फैसले के आने के बाद भी क्यों अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है सरकार? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से ये हवाला दिया जा रहा है कि वो न्याय विभाग से और कानूनी परामर्श के बाद इसको लागू करेंगे, लेकिन वक्त काफी अच्छा खासा बीत चुका है, लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए हुए, और कर्मचारी हैं वो केवल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एकजुट होकर ऐलान कर दिया है कि आज यानी कि 20 फरवरी को महारैली होगी। अगर महारैली तक भी कोई डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, मुख्यमंत्री आवास पहुंच किया जाएगा और साथ ही बैठक कर जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सभी के पदाधिकारी आज शामिल रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने जैसा बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। चलिए अजीत, आप इसको लेकर नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।